नौकरी पर खतरा, यूपी 112 कॉल टेकर का धरना। रात भर सड़क पर बैठी लड़कियों करती रही नारेबाजी। अखिलेश ने पूछा खजाना कौन खा गया। पुलिस कंट्रोल रूम में 112 मुख्यालय की आउटसोर्सिंग महिला कॉल टेकर, महिला कर्मचारियों नियुक्ति पत्र और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार दोपहर से धरने पर बैठी है। पुलिस अफसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। बिजली आपूर्ति बंद करने के बावजूद वह अपनी मांगों को पूरा कराने को लेकर अड़ी रही और रात भर महिलाएं सड़क पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन करती रही। मंगलवार सुबह इन महिलाओं को पुलिस वैन में भरकर हटाया गया। इस दौरान महिला कर्मचारियों ने हंगामा भी किया, उन्हें शिफ्ट करके धरना स्थल पर भेजा गया है। महिला कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने धरना बंद कराने के लिए बिजली के साथ ही पानी और बाथरूम तक बंद कर दिया। अब धरना स्थल पर शिफ्ट कर दिया गया। महिला कर्मचारियों ने कहा, हमें वेतन तक नहीं मिल रहा था इसलिए सड़क पर उतरना पड़ा। वहीं अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर पूछा, खजाना कौन खा गया, ये है भाजपा के नारी बंधन का सच। यूपी 112 में आउटसोर्स पर तैनात करीब 200 महिला कर्मचारी सोमवार दोपहर 2 बजे से वेतन बढ़ाने और नियुक्ति पत्र देने के नाम पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। एडीजी 112 अशोक सिंह से बातचीत के बाद भी कोई नतीजा ना निकलने पर कॉल टेकर ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन दमन का रास्ता अपना रही है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।